पे बच्चे उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया जगह है, उनको कुछ नया सीखने को मिले। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जैसी कृष्णा कैम्चो। कैसे हो आप लोग? आज का व्लॉग शुरू करते हैं और आज हम लोग आ चुके हैं स्वामीनारायण गुरुकुल। स्वामीनारायण गुरुकुल वैसे तो एक धार्मिक जगह है, यहाँ पे भगवान जी का मंदिर है, इसलिए यहाँ पे कई दर्शालु दर्शन करने के लिए भी आता है और आज संडे इसीलिए आज यहाँ पे बहुत ही रश है। और लेकिन उसके साथ यहाँ पे मंदिर के साथ यहाँ पे प्रदर्शन भी होते हैं जो हमारी संस्कृति और धार्मिकता पे है, तो वो ये प्रदर्शन होते हैं वो भी आज मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे साइंस सिटी भी इन लोगों ने बनाया है और साथ में गार्डन भी, इसलिए आज का वीडियो थोड़ा बड़ा बनने वाला है, तो हम इसके दो पार्ट करने वाले हैं। तो उसके साथ हमारा आज का वीडियो स्टार्ट होता है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज संडे इसलिए यहाँ पे बहुत ही रश है, लाइन में भी यहाँ पे अभी इतना रश है ना कि दो लगने वाली है। तो अभी हमने यहाँ पे टिकट ले लिया, टिकट की प्राइस है 60 रुपीज पर पर्सन। उसमें प्रदर्शन भी आ गया, साइंस सिटी भी आ गया और गार्डन के लिए भी यही टिकट बनी होगी। और सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे जूते रखने पड़ेंगे, तो वो हम पहले रख देते, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अभी हमने एंट्री ले ली और प्रदर्शन अभी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन सबसे पहले अगर आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग करना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, वो इजीली नहीं मिलती। यानी सबसे पहले यहाँ के शूट करो, पहले उसके बाद परमिशन लेने लगे, वरना अलाउ नहीं था इसीलिए। तो अब मैं आपको स्टार्ट करता हूँ वीडियो। तो यहाँ पे हमारे अभी सब्सक्राइबर्स मिले हैं, क्या नाम है आपका? अभिन। अभिन सैनी। Thank you.
यहाँ पे हमारी जो संस्कृति और धार्मिकता होती है उससे रिलेटेड यहाँ पे सारी शोज हैं। पहले जो यहाँ पे एक शो था जिसमें था कि जो हम टॉपिक को करते हैं वो कितना हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है, हमारी जो फैमिली है उसके लिए भी। तो सबसे पहले आगे मूवी थिएटर जैसे इन्होंने किया था कि वहाँ पे सबको बता सके कि यहाँ पे क्या, जो अगर आप हेल्थ इश्यू जो होते हैं टॉपिकों की वजह से। उसके बाद यहाँ पे प्रदर्शन थे जहाँ पे जैसे कि जो हमारे संस्कृति होती है पूरा उससे रिलेटेड ही यहाँ पे, तो जो आपके अगर छोटे बच्चे उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया जगह है, उनको कुछ नया सीखने को मिलेगा। और अगर आप एंट्री होती है और अगर आपके पास कोई भी टॉपिकों की चीज़ होती है तो सबसे पहले आप लोगों को बाहर ही डरवा दी जाएगी, यानी ये बहुत ही अच्छा है। अभी यहाँ पे कैसे कि आप सिक्का डालोगे तो यहाँ पे कुछ शो होगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। पे ना प्रदर्शन के साथ आप एक्वेरियम का भी मजा ले सकते। आज संडे की वजह से इतना रश है कि सब खड़े ही हो जाए, उसके बाद आगे वाला मूवी नहीं हो पाया। तो अब मैं आपको आगे का लाइन के अंदर जाके दिखाता हूँ यहाँ पे कैसा आएगा।
बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, बच्चों को कुछ सीखने को तो जरूर मिलेगी। यहाँ पे गर्मी बहुत होती है क्योंकि आज संडे से इतना रश है ना, मैं हर बार यही बोल रहा हूँ, आज नहीं गलत चूज कर लिया। लेकिन यहाँ पर भी और भी प्रदर्शन है, मैं आज आपको सारे ही दिखाऊंगा कि आप घर बैठे भी पूरा ये देख सकोगे। यहाँ पे हमने अभी प्रदर्शन कम्प्लीट कर दिया, बहुत ही मस्त जगह है। प्रदर्शन आपको आने की जरूरत है, अगर छोटे बच्चे तो उनके लिए भी जो हमारे इतिहास से रिलेटेड है, भगवत गीता रामायण उससे रिलेटेड यहाँ पे पूरा बनाया गया कि अगर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। उसके बाद प्रदर्शन हमने देखा, उसके बाद वहाँ पे जो टॉपिक होते हैं उससे रिलेटेड ज्यादा है कि जो अभी के टाइम पे हमें जो हेल्थ इशू करते हैं और जिसकी वजह से हम लोग को प्रॉब्लम होते हैं, या वजह वो फूल निकल गए, इतनी गर्मी है ना फुल्ली फूट गई, तो ऐसा कुछ ही है। अभी गर्मी बहुत थी नीचे, और अभी यहाँ पे मंदिर भी है तो पहले मंदिर में दर्शन करेंगे, उसके बाद साइंस सिटी का हम देखेंगे। हाँ, अभी हमने भगवान जी के दर्शन भी कर लिए, लेकिन अभी तक ब्लॉग ऑलरेडी बहुत ही बड़ा हो चुका है, तो इस वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट 2 बनाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को, हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगी इसे बनाने में, क्योंकि संडे का दिन था इसलिए बहुत ही रश था, इसलिए मैंने कुछ भी करके आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो बनाया है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर से नए वीडियो जरूर देखिएगा, उसका हम पार्ट 2 बना रहे हैं साइंस सिटी।